अब क्या हुआ? उस औरत ने मेरी इज्जत लूट ली। किसने लूट ली? वही क्लास वाली, हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप डांस सिखाने की आड़ में मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे तो हाँ बोल के उसको खुश कर दो, जाओ उसके हो जाओ। मेरी शामत आई है क्या? वो कोई 16 साल का फ्रेश माल नहीं है, 60 साल का एक्सपायर्ड माल है। तुम्हें 16 साल की लड़की पटानी है? अबे 17 साल के लड़के को 16 साल की चलेगी ना? नंदिनी को तेरे लिए कुर्बान किया वरना आज हम नंदिनी के सपने देखना छोड़ दो। नंदिनी आ रही है, मैं उसे पटाने के लिए कुछ सोचता हूँ, तुम मेरा साथ देना बस। आज लैपटॉप पर अपनी वाली की फोटो देखकर मैं फिर से फिदा हो गया, कितनी सुंदर है। और हमारी वो डांस टीचर, बाप रे छे। क्या कहा? ओ तुम यहाँ कब आए? तूने तो उसे आते हुए देखा था। लुक, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे सुंदर है तो जाओ दिन रात जाके उसकी आरती उतारो, मेरे बारे में बेकार के कमेंट्स करना बंद कर दो। मैंने कब कहा कि तुम बदसूरत हो? मैंने बस ये कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे सुंदर है। मेरी गर्लफ्रेंड जाओ उसको यहाँ लेकर आओ, देखते हैं वो सुंदर है या मैं, फैसला हो जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं आ सकती, तुम चाहो तो मेरे घर आकर उसे देख सकती हो। ओके, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, एड्रेस दो। एक मिनट, ये लो, ये है मेरा एड्रेस। आज शाम को ही आ जाऊंगी, देखते हैं कौन सुंदर है। मैं उसके घर ऐसे जाऊं तो मेरा कुछ नहीं होगा, वो इतना कह रहा है तो सच में उसकी गर्लफ्रेंड मुझसे ज्यादा सुंदर होगी, मैं ज्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ। तुम साड़ी गंदी करना बंद करो, मैं तुमको एक आइडिया देती हूँ। उसकी बातों से लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड साड़ी पहनकर आएगी, तो तुम उल्टा करो, तुम स्विमिंग सूट पहनकर जाओ और उसके तोते उड़ा दो। स्विमिंग सूट पहन के अपना कचरा करवाऊं? तुम ही पहनो। हाँ मैंने पहना था, दो आदमी मर गए और एक कोमा में चला गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्या? ना मैं तो दूध पीती हूँ ना रोज। बैठे बैठे हंसो मत, मुझे बताओ मैं क्या पहन कर जाऊँ। तुम सारी साड़ियाँ पहन कर दिखाओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे। फ्रंट बैक, हाउ इज इट बैड? वाओ सुपर। सच में? यस मैडम, उसकी गर्लफ्रेंड आपको ऐसे देखकर तो जल जाएगी और इसी साड़ी से खुद को फांसी लगा लेगी। इज इट? मान लिया अगर वो मैडम से ज्यादा खूबसूरत हुई तो? तो इसी साड़ी का फंदा मैडम के गले में। ए जैसी, चुप अम्मा, तेरा और ऋषि का कत्लेआम कर दूंगी। कम इन। ओ रुको, पीछे हटो, पीछे हटो, बच गए। यू नो मेरी गर्लफ्रेंड रोज यहीं से होकर अंदर आती है, इसलिए मैं उसके स्वागत के लिए गुलाब की पंखुड़ियां बिछा कर रखता हूँ। यू नो शी इज ब्यूटीफुल। मैंने तुमसे पूछा क्या? तुम पूछो या ना पूछो, शी इज ब्यूटीफुल। अब जाओ, जाके पीछे बैठ जाओ। हेलो, इंसानों को फूलों की जरूरत पड़ती है, एक कली को फूल की जरूरत नहीं है। यहाँ कली कौन है? मैं। बहुत पका लिया, अब जाके बैठ जाओ। डार्लिंग स्वीट हार्ट गुलबदन जाने मन जाने बहार, तुम्हारे फैंस आ चुके हैं, प्लीज जरा बाहर आके इन्हें ऑटोग्राफ्स दे दो। ओके। उसने कहा कि वो बाहर नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें आना होगा, लेकिन संभाल के फूलों पर पैर मत रखना। आ जाओ। लुक दैट्स माय गर्ल। प्लीज गॉड, मुझसे दिखने में कम सुंदर हो प्लीज।
इसकी आंखें देखो कितनी सेक्सी है। मन करता है कि इनमें डूब जाओ, लेकिन क्या करूं, इनकी चमक से कहीं अंधा ना हो जाऊं। एकदम मृग नयनी है। और खुद को देखो, इन होठों को देखो, गुलाब की पंखुड़ियां जैसे कोमल हैं। मन करता है कि धीरे से काट लो नीचे वाले होठों को। वाह, इन्हें कहते हैं होठ। और एक तुम्हारे होठ देखो, आजकल की लड़कियों की कमर की जगह कमरा होता है, लेकिन मेरी जाने मन की कमर तो देखो जरा। वेट वेट, मन करता है इसे चूम लूं। नहीं नहीं नहीं, बस जोर से पकड़ के चिपका रहूं। क्या फीलिंग है, तुम ही बताओ, क्या मैंने गलत कहा था कि मेरी डार्लिंग दिखने में तुमसे ज्यादा खूबसूरत है? तो कैसी लगी मेरी जाने मन? मेरी गर्लफ्रेंड को मिलने के बाद तुम्हें कुछ कुछ होने लगा था ना? नाटक मत करो, आई लव यू बोल दो। ये तुम्हें किसने कहा कि मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था? तुम्हारी आंखों ने। शट अप। तुम्हें पहली बार देख के मैं फिदा हो गई थी। तभी तब से। अरे तो पहले गुरु बताया एक धुआं। अब तो बोल दो, आई लव यू बोल दो। अभी नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कम। अब भाव मत खाओ, आई लव यू बोल दो ना, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। देखो, तुम मेरे फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जानती हूँ। पहले तुम शुरू करोगी या फिर मैं करूँ? तुम ही कर दो। ओके। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा एक LIC एजेंट है, समझ नहीं आया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मम्मी एक हाउसवाइफ है, क्या खाना बनाती हैं। मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत नफरत है, मुंबई में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए मम्मी पापा ने मुझे बैंकॉक भेज दिया। तुम मुंबई के हो? क्या बात कर रही हो, तुम भी मुंबई से हो, सेम पिंच। उतावले मत बनो, क्या तुम्हें सच में लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है? मैं दिखने में ही हट्टा कट्टा हूँ, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ। तुम खुद ही सोचो, उस दिन उस स्विमिंग पूल पर नाटे ने मुझे कितना मारा और मैं बस उसे घूरता रहा, मैंने हाथ तक नहीं उठाया। मेरे दुबले पतले दोस्त भी मुझे मारते हैं तो मैं पलट के उन्हें कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मुझसे होता ही नहीं है, बहुत सॉफ्ट हो ना। मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पापा मुंबई के बहुत बड़े डॉन हैं, उनका नाम नानू है और वो स्टीफन रॉबर्ट्स के लिए काम करते हैं। मम्मी के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत खून खराबा देखा है। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझसे यह लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, मैं उस माहौल से बस किसी तरह दूर जाना चाहती थी। फिर मैंने फैसला किया, मैं जिससे भी शादी करूंगी उसका दिल साफ होना चाहिए, उसके पास पैसे भले ही ना हो, बस वो मुझसे ढेर सारा प्यार करे। इसीलिए मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछा। तुम इतने चुप क्यों हो? मैं एक डॉन की बेटी हूँ इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है नंदू, तुम्हारी जगह मैं होता तो ना जाने कितनों की मदद कर देता, पर तुमसे नहीं होगा। तुम चाहती तो कितनों के उजड़े घर बसा सकती थी, पर ये भलाई का काम तुमसे नहीं हो पाएगा। भलाई का काम? बताओ ना मुझे क्या करना है, मैं वो जरूर करूंगी। स्टीफन रॉबर्ट कैसे दिखते हैं सिर्फ तुम्हारे पापा जानते हैं, वो उनके आदमी हैं। अगर उनकी फोटोज तुम किसी तरह पुलिस को दे सको तो बहुत से लोगों की मदद हो जाएगी, उन बेचारों की बुझी हुई जिंदगियों में रौनक आ जाएगी। लेकिन छोड़ो, तुम ये नहीं कर पाओगे। मैं जरूर करूंगी। तुमने मुझे एक अच्छा काम करने को कहा है, कोई बुरा काम नहीं, मैं करूंगी, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। प्रॉमिस। अपने प्यार के खातिर कुछ भी करूंगी। आई लव यू। अब तुम भी बोलो आई लव यू टू। मुझे जोर से हग करके बोलो आई लव यू, बोलो ना। आई लव यू। क्या हुआ? नहीं, वो अगर तुम्हारे पापा के आदमी ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, तुम सही कह रहे हो, मैं अभी जाके मुंबई की टिकट्स बुक करवाती हूँ, वहीं जाके बात करेंगे। ओके ओके।
अपनी आगे की लव स्टोरी मुंबई में। सी यू देयर। चल, तुझे डांस क्लास में पहली बार देखते ही मुझे तुझ पर शक हो गया था कि तू नंदिनी से प्यार करने का नाटक कर रहा है। तू स्टीफन रॉबर्ट के बारे में क्यों पूछ रहा था? कहां से आया तू? कौन है बे तू? सब बता, बोल। भाई ये कुछ नहीं बोलने वाला, मेरी बात मानो, उड़ा दो साले को। हेलो सर। हेलो, आप बैंकॉक से कब लौट कर रहे हैं? मीरा ड्राइवर, गाड़ी बाहर निकालो, मैं अभी आता हूँ। आइए ना, बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ, कुछ बात बनी? बैंकॉक में क्या हुआ बताइए ना। हम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। नंदिनी एक अच्छी लड़की है, अब वो घर लौट आई। हमें अब किसी भी पल स्टीफन रॉबर्ट्स की फोटो मिल सकती है। पर एक बात बतानी है, बैंकॉक में मैंने एंथनी के भाई डेविड को मार डाला। मेरा यहाँ होना तुम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। फोटो मिल जाने के बाद आऊंगा, अपना ख्याल रखना। ठीक है।